हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक टिप्स एवरीथिंग यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। हेलो, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो अपने चैनल का सब्सक्राइब बटन लगा सकते हैं तभी आपके सब्सक्राइबर बढ़ें। तो उसे ब्रांडिंग वाटरमार्क कहते हैं। तो उसके अपने कोई ब्राउज़र ओपन करना है और youtube.com पे जाना है। तो जाएंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड होगा। तो आपने जो है सबसे पहले ये जूम कर लेना है या वैसे ही YouTube के साथ जो थ्री डॉटेड लाइंस हैं यहाँ पर क्लिक करना है और माई चैनल पर क्लिक करना है। माई चैनल पर क्लिक करने के बाद जो है आपने उसके बाद थोड़ा वेट करना है, टाइम लेगा। उसके बाद ये वीडियो मैनेजर पे आपने आना है। वीडियो मैनेजर, पहले माई चैनल, फिर वीडियो मैनेजर। उसके बाद जो है आपने सीधा आना है ये माई चैनल पर। ये जो पाँचवा ऑप्शन आपको, सॉरी ये मुझसे गलत हो गया, तो आपने जो है सीधा माई चैनल पर आना है। ये देखें, आप माई चैनल पे आ चुके हैं। उसके बाद आप ये देखें, चैनल में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन ब्रांडिंग है जो है, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये देखें, अब ये आपको कह रहा है ऐड अ वाटर मार्क, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर ये देखें अपलोड अ वाटर मार्क एक ऑप्शन आएगा। तो आपने यहाँ से चूज़ फाइल कर लेना है, अपनी गैलरी में जाना है और यहाँ से सब्सक्राइब बटन चूज़ करना है। ये जो है मैंने डाउनलोड किया हुआ है उसी ब्राउज़र से, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, मैंने क्लिक कर दिया है। तो अब ये देखें, आपने यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है, सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा अपलोड होने में टाइम लेगा, 15 से 30 सेकंड या 30 सेकंड। उसके बाद ये जो अपलोड हो जाएगा, ये आप ऊपर देख रहे हैं 42 KB का है और 16 KB अपलोड हो चुका है। तो ये अभी हो जाएगा, ये देखें अब अपलोड हो चुका है। हमें अब डैशबोर्ड दिखाया जाएगा। अभी आप ये देखें, तो फ्रेंड ये देखें जो हमने अपलोड किया था वो हो चुका है। तो ये देखें, अब आपने सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग होगी। लोडिंग हो जाने के बाद उसके बाद आपके सामने जो है इस तरह का जो है डैशबोर्ड होगा। अब आपने जो है ये देखें, अब आपकी वीडियो में ये इस तरह एंड पे इस तरह खड़ा होगा, इस तरह यहाँ दिखाया जा रहा है। अब आपने इसको डिस्प्ले टाइम, कस्टम स्टार्ट टाइम, तो आपने इंटायर वीडियो करना है ताकि पूरी वीडियो के दौरान ये खड़ा रहे, तो आपने इसे अपडेट कर देना है। जैसे आप इसे अपडेट करेंगे, ये जो है अब अपडेट हो रहा है। तो ये जैसे अपडेट होगा, आप देख रहे हैं ये लोडिंग होगी और ये अपडेट होगा। तो जैसे ही अपडेट होगा उसके बाद 24 घंटे बाद आपके चैनल पर जो है ये शुरू होना, या 2 घंटे बाद, 24 घंटे क्या, ये 2 घंटे के बाद शुरू हो जाएगा। सेव सक्सेसफुली आप ऑप्शन देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।